चाहिए एकदम अच्छी तरह से पकने दीजिए। हल्दी नमक हल्दी मिक्स कर रहे हैं, उधर कढ़ाई का तेल ज्यादा गर्म हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने अपने जिंदगी में मस्त और खुश होंगे। उन सभी भाइयों और दोस्तों को मेरा प्यार भरा दिल से नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह के 9 बज रहे हैं और आप सभी को मेरा तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग और देहाती ब्लॉग्स 2.0 में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों आज के ब्लॉग्स में हम लोग बनाने वाले हैं, दिखा दो परी, देखिए परी ले आई है अपने मनपसंद मछली। हम लोग लिए छोटा छोटा मछली दोस्तों, इधर देख सकते हैं, इधर एकदम ताजे ताजे। आज इसी का रेसिपी हम लोग बनाने वाले हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, एकदम परी देखिए, परी खेल रही है मछली के साथ ताजे ताजे। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए दोस्तों और देखिए हम लोग किस तरह से बनाते हैं एकदम देसी स्टाइल में मछली। देखिए इधर ताजे ताजे मछली छोटा छोटा, तो देखिए मछली का झलक देखिए, एकदम ताजे ताजे ले आए हैं। अब परी है सो बाल्टी में डुबा रही है मछली को धोने के लिए, इधर पानी में डुबा दे रही है एकदम। अरे परी छट, देखिए मछली खेल रही है अच्छी तरह। चलो हाँ जा, ले चलो परी धोने के लिए, ले चलो परी बाहर। मछली धो रहे हैं मछली, इधर धो के दोस्तों देखिए फ्रेश कर लिए एकदम। इधर चूल्हा जला रही है परी की मम्मी, बस इसको तल लेंगे दोस्तों और इसका रस्सा बनाएंगे हम लोग आज। क्या जी रस्सा बनाएंगे आज मछली का, देख सकते हैं ज़्यादा कटिंग नहीं की है, एकदम बड़ा बड़ा पीस रखे हुए हैं। आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए और देखिए एकदम किस तरह बना रहे हैं हम लोग रस्सा। इधर अच्छी तरह से धो लिए दोस्तों, इसका कचरा जितने थे पेट का सारे निकाल लिए कटिंग करके, देख सकते इधर सारे पेट का कचरा निकाल लिए, आँखें भी निकाल लिए। इधर कढ़ाई चढ़ा दिए तलने के लिए। क्या वो परी रो रही है? कौन मार दिया? प्रियंका शाह ने दोस्तों मारेंगे। इधर तलने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं दोस्तों, जो बड़े थे दोस्तों ज्यादा ज्यादा कटिंग उसको कटिंग कर लिया, जो कढ़ाई में तलने कैसा आ जाएगा उसको नहीं कटिंग किए हैं, देख सकते हैं आप लोग। नमक हल्दी मिक्स कर रहे हैं, उधर कढ़ाई का तेल ज्यादा गर्म हो गया था इसलिए हम लोग उतार दिए उसको। पहले इसको मिला लेते हैं एकदम अच्छी तरह से। सबसे पहले बड़ा वाला तल दीजिए, देख सकते हैं बड़ा वाला दे दिए, दोनों हट जाएगा ना कढ़ाई, देख सकते हैं देखिए बड़ा वाला तल रहे हैं। हाँ दे दीजिए, साइड करने जगह तो है भाई। जा परी छटक छटके का तेल रे, दूर हट जा परी दूर। पलट दीजिए, अच्छी तरह से पकने दीजिए, अच्छी तरह से पक गया एकदम। एक तरफ बच रहा है। आज हम लोग खड़े खड़े मछली तल दे रहे हैं दोस्तों, तब तक इधर मछली मसाला पीस दे रहे हैं। पीस लीजिए मसाला, सरसों है, लहसुन मिर्च है, सरसों तो देना पड़ेगा हर हर मछली में ना। मैं पूरी उल्टा नहीं दो, हो गया इसको निकाल दीजिए, थोड़ा सा बड़ा वाला और होगा, बड़ा वाला और होगा। ये भी हो गया ना? हाँ, ये भी हो गया। अब हम लोग का मछली चला गया दोस्तों, अब हम लोग इसको मसाले में फ्राई करेंगे। देखिए एकदम स्वादिष्ट मछली चला गया है। क्या परी? परी इंतजार कर रही है कब खाने को मिलेगा। सबसे पहले हम प्याज भून लेते हैं, इसी तेल में प्याज भून दे रहे हैं। हर मछली में तो सरसों देना एकदम अनिवार्य है क्या जी? हाँ जी, देख सकते हैं मछली के लिए सरसों ही स्वाद है। इधर प्याज भून रही है, इधर मछली तल के हो गया पूरा, टमाटर धनिया पत्ता रख लिए एकदम। परी बैठो बेटी, नाक चूरा है परी तुम्हारा, जल्दी हो गया है।
मसाला को एकदम दोस्तों खर करके भूनना है, एकदम कच्चा नहीं रहने देना है। जितने सारे मसाले थे हम लोग डाल दिए हैं, एकदम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं ताकि सट रहा था मसाला। बड़ा मेहनत लग रहा है मछली बनाने में दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं धूप भी होने वाली है, पसीना ज्यादा धूप हो गया एकदम। और मसाला को भून रहे हैं, कच्चा नहीं डालना है, कच्चे में नहीं डालना है। परी मांग रही बड़ा वाला मछली खाने के लिए, दे क्या ये वाला आओ आओ आओ। मसाला भुंजा आ गया, पानी डाल दीजिए इसमें। नहीं डालने हैं, तरी के हिसाब से ही नमक डालेंगे इसमें, जितना तरी रहे उस हिसाब से नमक डालेंगे। देख सकते हैं मछली तल के रखा है, जो बड़े वाले थे दोस्तों उसको कटिंग कर दिए, कढ़ाई में अच्छा नहीं रहता, नहीं तो परी आधा दे दी वही खा के। इतना ग्रेवी बनाएंगे हम लोग आज, देख सकते हैं इधर नमक भी डाल दे रहे हैं तरी के हिसाब से। अब उसको डबकने दीजिए ना, अब इसको पूरा डबकने दीजिए, उसके बाद मछली डाल देंगे हम लोग और तैयार हो जाएगी। इधर धनिया पत्ता भी तैयार हो गया कटिंग होके। ग्रेवी लगभग डबक गए ना, देखिए कितना अच्छा। अब इसमें डाल देते हैं, अब मछली को डाल देते हैं इसमें, गोटा वाला मछली डाल दिए, जो बड़े थे दोस्तों उसको कटिंग कर दिए। परी तोड़ दी, तोड़ दी हूँ बीच में, इसीलिए सोचेगा कटिंग करके डाल ही देते। तो हमारा ये बन के तैयार हुआ इधर दोस्तों, धनिया पत्ता छिड़क दे रहे हैं हम लोग। भात खाते हैं इसके साथ दोस्तों, इसलिए हम लोग ग्रेवी इसमें ज़्यादा रखती हैं, दो टाइम खाना पड़ेगा अभी और दोपहर को, क्या जी? जी इसलिए ग्रेवी ज़्यादा रख दी है दोस्तों। तो आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए कॉमेंट बॉक्स में। आज के ब्लॉग्स में दोस्तों हम लोग मछली बनाए एकदम देसी स्टाइल में, आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों प्लीज। फिर मिलेंगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।